दिल के पेशेंट जब एंजियोग्राफिक रहते हैं और उसमें ये बात नजर आती है कि दिल की कई नालियां वो स्टीनोज हो गई हैं, उनमें ब्लड का फ्लो कम हो गया है, तो डॉक्टर्स या तो स्टंट एडवाइज करते हैं या फिर बाईपास की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होते। और जो मेडिसिन दी जाती हैं वो भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो स्टीनोसिस को, दिल की नालियों के पिचके होने को, दिल की नालियों के बंद होने को खोल दें। इसलिए इन प्रोसीजर्स को इख्तियार किया जाता है ताकि दिल के हिस्सों तक ब्लड की सही सप्लाई पहुंचाई जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रिसर्च से ऐसी मेडिसिन ईजाद की हैं जिनके कुछ माह के इस्तेमाल से ना सिर्फ कॉरनरी आर्टरीज में फ्लो बढ़ जाता है, उनकी स्टीनोसिस कम हो जाती है, एजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस का फूलना कम हो जाता है, चेस्ट पेन के एपिसोड्स कम हो जाते हैं, हार्ट की कंडीशन और हार्ट की पावर बेहतर हो जाती है। बल्कि अगर इन मेडिसिन को कुछ माह इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुस्तकिल तौर पर बाईपास और स्टंट से भी जान छूट जाती है।